चल रही है अभी ये उठ चुके नहीं है ना क्या मामला है थाना सिविल लाइन में? देखिए होली का माहौल है और होली के माहौल में यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले बच्चे होली खेल रहे थे। आप देखिए वीडियो आपके पास मैं भेज रही हूँ। इन आतंकवादियों ने, ये छात्र नहीं है, जिन छात्रों ने ये काम किया है वो आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, भारत विरोधी है। कैसे बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके बच्चों को मारा है। अगर बच्चे हाथ में आ जाते तो ये हत्या भी कर देते हैं। इस तरीके का इनका व्यवहार किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अभी आज एसपी सिटी साहब से बोल दिया गया है स्पष्ट रूप से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनकी बापौती नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। दिमाग से निकाल दें, ये सपा का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। क्या तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ईद भी मनाएंगे तो होली भी मनाएंगे, और होली पर इस तरीके से आतंक फैलाना ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आज मैंने एसपी सिटी साहब को बोल दिया है इस यूनिवर्सिटी में होली खेलेंगे छात्र, जम के खेलेंगे। किसी में हिम्मत है माई के लाल में तो रोक के दिखा दे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी होली खेली जाएगी और आने वाले कल में पाकिस्तान में भी होली खेली जाएगी। नहीं, अगर एएमयू में होली नहीं खेलने देते हैं अरे कौन होता है, किसी की बापौती है यूनिवर्सिटी, कौन नहीं खेलने देगा। आए जरा माई का लाल सामने आ जाए, कौन नहीं खेलने देगा। हम देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे। हमने बच्चों के हाथ में कमान दे दी है, अगर कोई भी होली खेलने से रोकेगा तो समझ लें ये हरिगढ़ है। अगर जरा भी छेड़ने की कोशिश की तो ये आतंकवादी छात्रों को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, मारेंगे ये होली खेलने पर। हम ईद मनाते हैं सब लोग मिल करके, तो होली क्यों नहीं मना सकते भाई? क्यों विरोध है, किस बात का विरोध है? किसी कीमत पर ये विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, एक प्रकरण हमारा सिविल लाइन थाने के एमयू कैंपस के आया था सामने, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि कुछ छात्रों द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया। इसमें हमने सिविल लाइन थाने पे जो है सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली है। तीन टीमें बनाई गई हैं जिनका भी नाम उसमें एफआईआर में लिखा गया है उनकी अरेस्टिंग के लिए। जल्दी उनकी अरेस्टिंग भी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी इसमें अमल में लाई जाएगी।